अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का टॉपिक नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में है चेन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्म्स होगी, हम उनको सम फॉर्मूला के अंदर देखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन फॉर्मूले के में वो एड हो रहे हैं। तो ये रहे कुछ फॉर्मूले जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बुक के क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, y इज इक्वल टू साइन 4x मल्टीप्लाई बाय कॉस 5x। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, लेकिन लग तो जाएगा लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें प्रोडक्ट फॉर्म को सम के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, और यही क्वेश्चंस आते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले का काम है, डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे शुरू में, ताकि हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ही आए जब हम उसका डेरिवेटिव लें। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन का एंगल है हमारे पास 4x और कॉस का हमारे पास है 5x, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, तो प्लस का हमारे पास साइन 4x माइनस 5x। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 साइन 9x प्लस साइन नेगेटिव एक्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर साइन के साथ कोई एंगल नेगेटिव हो तो वो हो जाता है नेगेटिव साइन एक्स। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 साइन 9x माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो आगे हो जाएगा हमारा, अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। बहुत ज्यादा हमने सॉल्व कर दिया है सिंप्लीफाई करके, तो अब ले लेंगे उसका डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा हमारे पास y ऐसे ही आ गया dy/dx, सॉरी ये हो गया 1/2 को हम अब बाहर रख दें या हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ले रहे हैं d/dx साइन 9x माइनस साइन एक्स 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बारी बारी ब्रेक कर दे, dy/dx ये हो गया हमारा 1/2 cos 9x। ठीक है, और उसके बाद 9x का डेरिवेटिव जो कि होगा 9 और माइनस का 1/2 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, dy/dx बराबर हो गया 9 cos 9x/2 माइनस cos x/2। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9 cos 9x - cos x/2 वापस से ले आया। मैं इसलिए लाया ताकि आप लोगों को कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो, वरना बच्चे पूछते हैं सर ये 2 भी तो है, इसको क्यों नहीं करा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ब्रेक करा के कर देता हूं, तो आसान रहता है और समझ में भी आ जाता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, और ये टाइप है चेन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखे थे उसमें फॉर्मूला जो लगे थे वो इन टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा था। लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है, तो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन पे यू इंटू वी वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ले लिया, y था तो dy/dx हो गया, और ये हो गया बराबर डेरिवेटिव में दोनों लिख दिया
यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है जी। हम जानते हैं कॉस क्यूब एक्स का डेरिवेटिव होता है थ्री कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का होता है हमारे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें और इसमें चेन रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा क्योंकि हमारे पास एक पावर भी है। हम जानते हैं कॉस क्यूब एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब के बराबर है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी फंक्शन पे पावर हो तो वो होल ब्रैकेट में लग सकती है, तो इसी तरह हम इसमें तीन स्टेप वाला करेंगे। सबसे पहले हम इसमें होल पावर वाला करेंगे, फिर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का करेंगे, उसके बाद एंगल का करेंगे। सेम गोज हियर, पहले होल पावर, फिर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फंक्शन कह लें, उसके बाद एंगल, ठीक है जी। और जब हम हमारे पास इसकी डेरिवेटिव आ गए तो हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज था उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां पे कॉस क्यूब एक्स था उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या करते हैं, हमें इन टाइप के क्वेश्चन में जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में आंसर देना है। यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों एड हो रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, अभी मैं पावर की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं साइन कॉमन लूंगा तो साइन एक तरफ हो जाएंगे और कॉस एक तरफ हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन की तरह। तो ऐसे करते हैं, पहले मैं साइन माइनस का साइन एक्स कॉमन लेता हूं, माइनस का साइन एक्स मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा थ्री, साइन एक्स कॉमन लिया तो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर बचा हमारे पास प्लस का टू और कॉस फोर एक्स। अगर मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, तो हम उसको लगा सकते हैं। यहां पे आप मेंशन कर दें साइन स्क्वायर एक्स बराबर है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग करना है। तो हम ये फॉर्मूला लगा के कॉस की वैल्यू को एक तरफ कर देंगे और हमारे पास ये जो बड़ी सी वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, ये हमारे पास खत्म हो जाएगी और ये भी हमारा काम कर रही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो गया थ्री, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का, प्लस नहीं माइनस का होगा, माइनस का टू कॉस फोर एक्स, ठीक है जी। तो हमारे पास अब यहां पे क्या करेंगे, थ्री इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास कॉस की सारी वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगी। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस साइन एक्स एक तरफ, सारी कॉस की वैल्यू एक तरफ, तो ये जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कॉस फोर एक्स माइनस का टू कॉस फोर एक्स, ठीक है। तो ये आगे माइनस माइनस प्लस, हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स अलग और थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का फाइव कॉस की पावर फोर एक्स। ये रहा हमारा आंसर। एक बात बता दूं, ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने बाहर यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव आगे आगे अगर हम वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये बात जहन में रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है y is equal to sin 2x upon cos square 3x, तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब आगे हम डेरिवेट करते हैं sin 2x का, भी हम डेरिवेट करेंगे
साइन टू एक्स को हम चेन रूल से डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोई होल पावर नहीं है तो इसमें सिर्फ टू स्टेप्स होंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ठीक है। अब हम अलग से उसके एंगल का करेंगे, एंगल का 2x है तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस का साइन 2x एज इट इज आ गया, कॉस स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या आएगा, nx n माइनस 1 लगाया पहले क्योंकि होल पावर है, कॉस 3x 2 माइनस 1, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, कॉस होता है माइनस साइन तो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3। पहले हमने होल पावर, फंक्शन और एंगल तो इस तरह हमने ब्रेक कर दिया और उसके बाद डिवाइड बाय जो भी वैल्यू है, ठीक है। बोर्ड एंड हो रहा था तो मैंने डैश डाल दिया, डबल डैश उसका मतलब है ये। आप लोग प्लीज पूरा लिखिएगा, dy/dx अब बराबर हो जाएगा cos square 3x multiply by cos 2x multiply by 2 minus sin 2x into cos 3x minus का sin 3x और into 3 upon cos 4 3x। हम इसको ऐसे देते से रहने देते हैं या multiply करा देते हैं, multiply इसलिए करा रहे हैं ताकि आप देखते हैं, आप देखते हैं क्यों करा रहे हैं। पहले मैं इसको ऐसे लिख लूंगा जो मैंने अभी इतना सब बोला है, जल्दी से कॉस का 4 3x, ठीक है, 2 2 4। तो मैंने इसको यूं खोल दिया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस पूरी को जो ये है हमारे पास माइनस माइनस प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आएगा dy/dx बराबर 2 एज इट इज आ गया पहले, कॉस स्क्वायर 3x और कॉस 2x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो 2 3 6 साइन 2x और फिर साइन 3x और उसके बाद कॉस 3x अपॉन कॉस की पावर 4 3x, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम एक चीज ये करेंगे कि 2 कॉस 3x और कॉस 4 3x को एक तरफ कर देंगे ताकि उसमें से कॉस वैल्यू कट जाए, ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है, जिसके एंगल सेम होता है उस पर काम करते हैं, इस पर भी काम कर सकते हैं लेकिन छोटी सी वैल्यू है ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो हमने बड़ी वैल्यू ली है dy/dx 2 cos square 3x अपॉन cos 4 3x भी लिख सकता हूं और मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है सब पे डिनोमिनेटर आ जाएगा, अंदर हंसता खेलता आ गया cos 3x cos स्क्वायर था, उसको ब्रेक करके cos 3x इधर भी था इधर भी था, तो मैंने क्या करा cos 3x कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर का ब्रेक हो गया cos 3x में और cos 2x इधर रहा प्लस 6 sin 2x sin 3x cos 3x तो हमने बाहर ले लिया, ये बचा, ठीक है। अब ये हमें पता है जब ऊपर से 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, या हम ये कर सकते हैं कि ऊपर से 1 को नीचे भेज दें, ठीक है। तो अब मैं मिटा के करता हूं। अब हम क्या करेंगे, cos 3x को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन cos 3 की पावर 3x, cos क्यूब 3x हो गया और ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई और हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम अपनी आसानी के मुताबिक देखते हैं जहां पे हमें आसानी हो। मेरे ख्याल से मुझे इससे आगे कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे आंसर लिख के खत्म कर सकता हूं,
क्योंकि अक्सल मसल हमारा डेरिवेटिव लेना था और हमने काफी हद तक उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है।